हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर बाय कोलेट। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये COA के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। अब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डिस्क्राइब करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को, या दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो इसको मैं बेसिकली सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम एक कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक पेज पे ड्रॉ कर देते हैं सिस्टमेटिकली, तो डैट इज नोन एज कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली में फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हमारे रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं। अब इन रिसोर्स के बारे में हमारे यूज़र को नॉलेज होनी चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिफाइन करता है हमारे पीसी का। सो इसके बारे में हमारे यूज़र को नॉलेज क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यूज़र को अगर मालूम होगा कि मेरे पीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, तभी वो उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उनको अब्यूज़ कर सकता है। सो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। और अगर आप एक कीवर्ड याद रखने की कोशिश करें तो वो है बॉट। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है व्हाट ऑफ अ सिस्टम, कि ये सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये कौन डिफाइन कर रहा है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब इसी हिसाब से हम अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आए तो ये डिस्क्राइब करता है हाउ ऑफ अ सिस्टम। हाउ ऑफ अ सिस्टम मतलब एक सिस्टम काम कैसे करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने बस कंपोनेंट्स बताए थे कि इस पीसी के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बताते हैं ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरलिंक होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो इसकी अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो ये है हाउ टू इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय द आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर जो जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने कंपोनेंट्स के थ्रू, उसको हम यूज़ कैसे करें, उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, सॉरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है व्हाट, मतलब व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर इन अ सिस्टम, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है हाउ, मतलब हाउ टू परफॉर्म अ फंक्शन यूजिंग दोज कंपोनेंट्स। अब इसका आप एक डेली लाइफ एग्जांपल लेना चाहें तो वो एग्जांपल हो सकता है, सपोज एक नई बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग में कौन सा रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, यह आर्किटेक्चर का पार्ट। मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कितने बेडरूम होंगे, कितने बाथरूम्स होंगे, कितने किचन्स होंगे, स्टेयर्स कहाँ होंगे, लिफ्ट होगी या नहीं होगी, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये डिज़ाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा उसके अंदर, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हमारे ड्रेनेज सर्किट्स, हमारी वाटर सर्किट्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये एक फंक्शन परफॉर्म करती है कि हमारे घर में बिजली कैसे आएगी, वो ये डिस्क्राइब करेगा, हमारे घर में पानी कैसे आएगी, हमारे घर में वेस्ट वाटर कैसे जाएगा, ये सब वो डिफाइन करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आप हमको हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस वेबसाइट को ज़रूर एक्सेस करें। वहाँ पे हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, यही सेम नोट्स, सो उन नोट्स को ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा।